गुड आफ्टरनून। आज दोपहर से व्लॉग स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। हाय नानू। हाय मेरे शहजादे, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा, आपका ब्लॉग हम रेडी कर रहे हैं आज का। आज आपका क्या प्लान है भैया? अभी तो सोच रही हूँ, दो दिन से कुछ भी नहीं डाला, क्या डालूं? तो आज अभी क्या बन रहा है मम्मा? और आप क्या रेसिपी आज शेयर कर रहे हैं अपने अपने यूट्यूब की फैमिली के साथ? मैं सोच रही हूँ वो बना लूँ, क्या नाम है, बीफ बर्गर बना लूँ। और अभी दोपहर के खाने में क्या बन रहा है अभी? दोपहर के खाने में अभी तैयारी बन रही है। और रात में क्या खिला रही हैं आप? रात आपको आप बता दो, अगर बोलोगे तो फिर चिकन वाले बना लूँगी बर्गर। बीफ बर्गर खिला दें मुझे आज। बीफ बर्गर खाएंगे? हाँ, बहुत मूड हो रहा है बीफ का, फुल जूसी होना चाहिए बर्गर। आप फिक्र ना करें। अच्छा जी, और इस सुहाने मौसम में कहीं जाने का मूड है यार? अभी इतना प्यारा मौसम हो रहा है, देखें अभी बेहतरीन मौसम हो रहा है, बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है। और ये मेरी प्यारी सी बेगम, ये बेचती है आपने? नहीं, ठीक है। चलो, लोगों को बोल तो दो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं आ रहे तुम्हारे चैनल पर, बोलो। चलो कोई नहीं, उसको पसंद आता है वो लाइक कर लेता है। लोगों के साथ शेयर कर देना तुम जो बना रही हो, ठीक है? ये औरत ठीक है। गोश्त है, मत दिखाएं लोगों को, लोग बोलेंगे अभी तक बकरीद का गोश्त खत्म नहीं किया। ये बकरीद का गोश्त है, किस चीज़ का है? गाय का गोश्त है। ओके मम्मा, मेरे वीडियो का सबसे खास हिस्सा है आज, बेजारी वाला मुंह दिखाया। चल, अल्लाह ताला मेरी सास को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली, आमीन। आप सब लोग भी बोलें आमीन। तो मम्मा दोपहर की तैयारी कर रही है, मतलब आलू की ठारी जो होती है उसकी तैयारी कर रही हैं। सबसे पहले प्याज ब्राउन किए, फिर टमाटर, आलू और पुदीना कट कर लिया, फिर प्याज हल्के से ब्राउन हुए, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, फिर आलू टमाटर पुदीना डाल दिया, फिर उसमें नमक डाला, नमक के बाद हल्दी डाली, हल्दी के बाद उन्होंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी, कुटी हुई मिर्चों के बाद उन्होंने ज़ीरा डाल दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने टमाटर नरम करने के लिए पतीले को आग पर चढ़ा दिया। तो फिर उसके बाद हमारे टमाटर गल गए, उसके अंदर हमने पानी डाल के आलू को भी गला लिया, फिर उसके बाद हम चावल डाल देंगे और एक उबाल आने पर उसको दम पे चढ़ा देंगे। अब जैसे ही आलू को दम आलू उबाला आया, फिर पानी वगैरह डाल के फिर हमने उसको दम पे चढ़ा दिया, फिर हमारी तैयारी हो गई तैयार। अब बस हम सब लोग खाएंगे। बाबा आ गए बारिश में, बाबा क्या लेकर आए? समोसे। क्या लेकर आए? समोसे। बारिश कैसी हो रही, कैसे एंजॉय किया आपने? हर तरफ पानी था, हमारे बाबा ने कराची की अपडेट दे दिए। चले जा रहे हैं, बाबा लेकर आए भाई बारिश में गर्मा गर्म समोसे, रोल, पेटी फवारा। फिर हम सब लोगों ने बैठ के दोपहर का खाना खाया, हम सब ने बैठ के, फिर उसके बाद लंच, मतलब खाना हम लोगों ने खा लिया है। अब हम टेबल समेटेगा, फिर उसके बाद किचन समेटेंगे, फिर उसके बाद चाय बनाएंगे, फिर उसके बाद हम रात के खाने की तैयारी करेंगे। सब कुछ बताऊंगी मैं क्या क्या करूंगी, मैं कितनी घरेलू हूँ। बारिश हो रही थी और चिड़ियाँ वगैरह आके घर में दाना वगैरह खा रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने टेबल वगैरह साफ़ किया अच्छे से। टेबल वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने बनाई शाम की चाय बाबा और अपने मियाँ के लिए। तो ये छन्नी को इग्नोर करेगा, ये बहुत पुरानी छन्नी है। फिर मैंने अपने लिए चाय पकड़ी, एक समोसा, तो आधा रोल और ये कुछ चीज़ें पकड़ के मैं बाहर बारिश में आ गई खाने के लिए। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था तो मैंने अपने कमरे की खिड़कियाँ वगैरह खोली। फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मा के बाल बनाए, उनके हाथ में तकलीफ़ रहती है इसलिए वो मेरे से बाल बनवाती हैं। फिर उसके बाद बीफ बर्गर की तैयारी, जो है ना कबाब तैयार कर लिए, तो इसको मैं रख रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ एप्पल शेक। थैंक यू सो मच बेगम, थैंक यू। ओके, देख लें वीडियो और आगे की भी वीडियो कह रहा हूँ, जो है कि हमारी वाइफ जो है अभी बीफ बर्गर की तैयारी कर रही है हमारे लिए। तो ये थोड़ा स्नैक्स वगैरह रात के प्लान, रात के हिसाब से
जी शेक वगैरह की तैयारी हो रही है। एप्पल शेक, लोग जूस पीते हैं लेकिन अपन लोग जो हैं एप्पल शेक पीते हैं। सेब वेब पट कर आ चुके हैं। असल में सीन ये है, लोग पीते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सेब का जूस, लेकिन हमारी वाइफ पिलाती हैं एप्पल शेक दूध मिला के। भाई ये भी एक नया बिल्कुल कुछ है। तो ये सारी तैयारी शैरी हो रही है भाई, यहाँ लोग देखें, ये मेरी कट्टो। पहले मैं सेब, चीनी और पानी को मिक्स करके ग्राइंड करूँगी अच्छे से, फिर उसके बाद मैं दूध डालती हूँ। ये हमारा एप्पल शेक रेडी हो गया है। तो मैं, मेरे मियाँ और मेरे ससुर, हम लोग एप्पल शेक पियेंगे। शेक पीने के बाद मशीन धो के रखेंगे और जगह साफ करेंगे जहाँ जहाँ गंदगी हुई है, तो उसके बाद मैं पीऊँगी। ये सॉस है जो बर्गर के बीच में लगाएंगे, और ये कबाब, मतलब फिर मैंने कबाब की तैयारी की फटाफट से। कबाब सेके, कबाब अच्छे से सेक के, एक तो कच्ची, मतलब ये बीफ बर्गर के जो कबाब है ना, इनको सेकने में बड़ा अजीब होता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है। तो अब ये कबाब सेकने के बाद ये कुछ टूटे हुए बने, कुछ जुड़े हुए बने, अब कोई फ़र्क तो खैर पड़ता नहीं है, ये पेट में जाके सबने एक बराबर हो जाना है। फिर ये मियाँ जी लगा रहे हैं मक्खन, वो भी बर्गर पर, फिर हम उस, मैं उसको सेकूंगी अच्छी तरीके से। ये सारे के सारे बर्गर मेरे अच्छे से सीख गए हैं। तो बस जो सॉस थी वो मैंने पहले सॉस लगाई, फिर बर्गर लगाया, मतलब बर्गर बोल रही हूँ, पैटी लगाई। पैटी लगाने के बाद केचप हो, मायनीज हो, सलाद का पत्ता हो, टमाटर हो, जो आपका दिल करे आप डालो, क्योंकि हम लोगों को ये सब नहीं पसंद, तो इसलिए हमें सॉस भी कम क्वांटिटी में डलता है हमारे यहाँ। तो अब ये सारी चीज़ें तैयार है, मेरी और मेरे मियाँ की प्लेट। बहुत 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 मज़ेदार बना था बर्गर, आप लोग प्लीज़ 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 ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैं पूरा सुगड़ बनने की पूरी कोशिश की, मैंने कहा पूरी सुगड़ हूँ ये। वैसे मेरे सास ससुर दोनों देसी हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट कराने के लिए दिया। तो अब ये मैं सबसे पूछूंगी कि कैसा बना है। मेरे मियाँ को बहुत पसंद आया था, मेरी सास को भी बहुत पसंद आया था, और मेरे ससुर को भी पसंद आया था। मेरे मियाँ ने कहा कि मुझे एक और बना दो, फिर मैं चली गई किचन में दोबारा बनाने के लिए। व्लॉग मेरा होता है यहाँ ख़त्म। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।